अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। सर, बोरीवली में जंगल के पास वाली हाउसिंग सोसाइटी में कुछ अफवाह फैल गई है। कोई पैंथर वगैरह आ गया? ये तो कुछ और ही है। रात को दूर एक लाइट दिखाई देती है चलती हुई। एक, कौन है वहाँ पे? मेरे दोस्त का खून हो गया है। राज, इतनी रात को जा कहाँ रहा था? नेहा से मिलने जा रहा था। नेहा के फादर एक बहुत बड़े आदमी है। उन्होंने राज से कहा था, अगर नेहा से मिलना नहीं छोड़ेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये चेन मिली है मुझे ब्रिज के नीचे से। उनमें से किसी एक आदमी की है जिन्होंने राज को मारा था। इस पर एक निशान भी है। सर, ये एक्सीडेंट यहाँ हुआ है। सर, यहाँ सड़क के बीचों बीच बाइक की पीछे की लाइट टूटी हुई है। पीछे की लाइट की ऊंचाई जमीन से 2 फीट 3 इंच है। सर, ये ट्रक या टेम्पो ही होगा क्योंकि ट्रक या टेम्पो का बम्पर ही इतना ऊंचा होता है। जिस आदमी ने कहा ये खून है, उसने ये भी कहा है कि आप राज को अच्छी तरीके से जानते थे। मेरी एक ट्रांसपोर्ट कंपनी है। तब तो आपके पास ट्रक्स भी होंगे बहुत सारे। सब कह रहे कि ये लॉकेट हॉलैंड का बना हुआ है। सर, वो चेन तुम्हें यहीं से मिली थी ना? हमें ये जंगल अच्छी तरह से ढूंढना होगा। यहाँ पे कुछ है। सर, हम तो यहाँ पर एक खून का इन्वेस्टिगेशन करने आए थे, यहाँ तो दूसरा मुर्दा भी निकला है। सर, या तो राज ने किसी का खून होते हुए देखा है या फिर उसने किसी को इस आदमी को जमीन में गाड़ते हुए देखा है। मतलब ये खून करीब 2 महीने पहले ही हुआ है। सर, अगर राज ने इस खून को होते हुए देखा है तो राज की मौत भी एक खून है। सर, हाँ सर, पहले सिर पे चोट मार के उसे मारा गया, फिर ये सब एक एक्सीडेंट जैसे दिखा दिया गया है। सर, क्या आप अब ये दोनों खून के इल्जाम मुझ पर ही लगाने वाले? इस दूसरे आदमी से मेरा क्या रिश्ता हो सकता है? अभी तो सिर्फ उसका स्केलेटन मिला है, पहले पता तो चले कि यह है कौन। सब ऐसे ही बनाया है ना, जैसे इन फोटोग्राफ्स में है? हाँ सर, बिल्कुल वैसा ही है। सर, किसी तरह अगर वो ट्रक वाला मिल जाए जिसने ये टक्कर मारी है तो दोनों केस सॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि मरने वाला एक तो जला दिया गया है और दूसरे की सिर्फ हड्डियां ही बची हैं। मतलब तुम ये मान के ही चल रहे हो कि ट्रक वाले ने जानबूझकर राज को मारा है? जी सर, और ट्रक वाले को किसी ने तो कहा होगा ये खून करने के लिए, मतलब टक्कर मारने के लिए। तो अगर वो ट्रक वाला मिल गया तो वो आदमी भी मिल जाएगा जिसने ये सब करवाया है। मतलब तुम पहले खून करने वाले को ढूंढ रहे हो और बाद में ढूंढना चाहते हो कि वो मुर्दा किसका है। और सर, मैं तो कह रहा हूँ जिस गाड़ी ने टक्कर मारी वो गाड़ी ट्रक है ही नहीं। ट्रक है ही नहीं मतलब? मतलब सर, वो कोई और ही गाड़ी है, बड़ी सी। मगर पुलिस तो इन फोटोज के हिसाब से एक ट्रक वाले को ढूंढ रही है। मैं इन फोटोज को देख के ही कह रहा हूँ सर। देखिए सर, अगर वो ट्रक बड़ा हुआ तो ही उसके टायर की चौड़ाई 9 इंच होगी। हाँ ठीक है, मगर सर अगर ट्रक बड़ा होगा तो उसके पीछे की तरफ 2-2 टायर होने चाहिए, तो 2 टायर के ब्रेक के निशान भी 2-2 आने चाहिए ऐसे। मगर सर, यहाँ सिर्फ 1 टायर का निशान है, ये देखिए। मतलब ये कोई दूसरे तरह की बड़ी गाड़ी है जिसके टायर भी बड़े हैं, और वो भी रेडियल टायर्स जो जमीन को चिपक के चलते हैं ऐसे, इसलिए वो 9 इंच का निशान छोड़ गया। वहां पे कोई था जिसके पास बड़ी गाड़ी है? कुछ लोगों ने मोटरसाइकिल सड़क के बीच में लाके खड़ी की, फिर वो आदमी गाड़ी चला के आया 60-70 की स्पीड में, मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, मोटरसाइकिल वहां गिरी और बाद में राज की बॉडी को लाकर यहां 20 सड़क में डाल दिया गया। सर, हमें इस गाड़ी वाले को ढूंढना चाहिए। एक काम करो, 4-5 अलग अलग तरह की गाड़ियां मंगवाओ, हम सबका टेस्ट करके देखेंगे। गाड़ियों को जोर से चलवाओ और फिर उनको ब्रेक मारने के लिए कहो, हम सबके ब्रेक मार्क्स चेक करेंगे। फेडरिक्स,
पहली गाड़ी भेजो भेजो। टेम्पो में साला कोई कर रहा है भाई, जो सो रहा है क्या कर रहा है? हाँ सुनो, गाड़ी थोड़ा आगे ले जाओ। ये टायर मार्क तो बहुत पतले हैं, फोटो में जाड़े हैं, ये नहीं हो सकती। 4 feet 3 inch सर, ये गाड़ी बहुत छोटी है सर। और फोटो में भी 4 feet 6 inch है, ये गाड़ी नहीं हो सकती। फेडरिक्स, दूसरी गाड़ी भेजो। हाँ, टेम्पो आगे बढ़ाओ थोड़ा, ले जाओ। से 4 feet 9 inch। और इसमें 4 foot 6 inch है, obviously हो ही नहीं सकता। अच्छा, टायर की चौड़ाई 5 inch है सर। और यहाँ 9 inch है, नहीं हो सकता। नेक्स्ट, फेडरिक्स, भेजो। टायर काफी बड़ा है, गाड़ी आगे ले जाओ जरा। चार फीट छह इंच। और सर ये देखिए, टायर की चौड़ाई 9 inch है। 9 inch, फोटो में भी 9 inch है। इसका मतलब है एक्सीडेंट किसी इंपोर्टेड गाड़ी से हुआ है। सर हमें ऐसी सब गाड़ियां चेक करनी चाहिए, डॉक्टर सारंगी से बात करके देखना चाहिए। अगर उस मुर्दे से उन्हें और कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो इन्फॉर्मेशन और ये गाड़ी वाला क्लू जो हमें मिला है, वो दोनों मिलाकर अगर ढूंढेंगे तो शायद वो आदमी मिल जाएगा। इस आदमी की उम्र करीब 35-40 साल के आसपास होगी और इसकी मौत 2-2.5 महीने पहले हुई है। मगर डॉक्टर, इसकी मौत हुई कैसे? देखिए, ये जो बाल उठा लाए थे ना आप डेड बॉडी के साथ, मैंने इन्हें टेस्ट किया तो इनमें मुझे आर्सेनिक मिला। यह आर्सेनिक ऐसा जहर है जो आसानी से मरता नहीं, सीधा बालों में जाके बैठ जाता है। 6 महीने बाद भी टेस्ट करो, आर्सेनिक वहीं मिलेगा। मतलब खूनी कोई ऐसा काम करता है जहां उसे आर्सेनिक आसानी से मिलता है और वो एक इंपोर्टेड गाड़ी चलाता है। डॉक्टर साहब, कुछ और इंफॉर्मेशन भी मिली है क्या आपको? हाँ मिली। यह आदमी बहुत महंगे कपड़े पहनता था, 5-star होटल में खाना खाता था और हर रोज 3-4 घंटे डिस्को में डांस किया करता था। सिर्फ बालों को ही देख के इतना सब कुछ पता चल गया आपको? आप लोग हद से ज्यादा आगे बढ़ जाते हो, खुद भी तो कुछ करो ना। आप लोगों को एक इंपोर्टेड कार की इंफॉर्मेशन मिली है ना, तो उसको फॉलो करो ना। बार बार मुझसे पूछने का क्या मतलब है कि और कोई इंफॉर्मेशन मिली है क्या? देखिए सर, हम लोग समझे थे कि डेड बॉडी देखकर आप हमें काफी जानकारी दे देंगे। एक स्केलेटन सामने लाके रख दिया और बस हो गया काम। अभी मेरा दोस्त है क्या जो मुझसे बोल देगा कान में कि देख भाई सालू के, ये मेरा नाम है और मुझे फलाने फलाने आदमी ने मारा है। अरे यार, इससे पहले भी तुमने काफी मुर्दों के मुंह खुलवाए हैं। तो क्या करूं जब ये मुंह खोलने को तैयार नहीं है? तो चल भाई, खोल मुंह, खोल दे, बता दे मुझे किसने मारा है। ओह माय गॉड, ये चीज मुझे पहले क्यों नहीं दिखाई थी? What a fool I am. अब समझा इसे। देखो, जब तुम ये मुर्दा यहां लाए थे तो इसका एक नाखून भी साथ में लाए थे, ये वाला, ठीक? ठीक। अब तुम वापस उसी जगह पर जाओ और इसकी बाकी उंगलियों के नाखून भी उस गड्ढे में ढूंढो। प्लीज, नाखून ढूंढ के लाओ। लेकिन बात क्या है ये तो बताओ। अभी नहीं, पहले नाखून ढूंढ के लाओ। डॉक्टर सारुंग के सारी बात एक साथ नहीं बताते हैं। एक नाखून दिखा के वापस भेज दिया जंगल में। आधी बात वो हमेशा अपने पेट में रखते हैं। ये आजकल न जाने क्या हो गया उनको, कल मेरे पे ही बरस पड़े। कहने लगे, सारी बात मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम भी तो कुछ करो।
तुमसे नहीं पूछेंगे तो और किसे पूछेंगे? हमने हमारा काम कर दिया, आप अपना करो। लो बॉस, नाखून तो मिल गया। वैसे ये हमें पहले ले जाने चाहिए थे। ये तो बिल्कुल वैसा ही है। बहुत अच्छा काम किया, अब मैं बता सकता हूँ। ये देखो, ये वो नाखून है जो तुम सबसे पहले मेरे पास लाए थे। एकदम भूरा है, ब्राउन। पहले मैंने सोचा था शायद ये आसनी की वजह से है, इसीलिए उस वक्त कुछ नहीं बोला था। अब सब मिला के 4 नाखून है ब्राउन कलर के। जी, क्योंकि आदमी सिगरेट पीता था ऐसे दो उंगलियों में दबा के, दोनों हाथों से पीता होगा, कभी राइट हैंड से कभी लेफ्ट हैंड से। इसकी पत्नी से पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि सिगरेट पीता था या नहीं। डॉक्टर साहब, ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था, कहीं ये सिगरेट पीने से तो नहीं मर गया? अभिजीत, अब अगर एक और सवाल ऐसा किया ना तो मैं खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर लूंगा। अरे मैं ये कह रहा हूं कि ये आदमी इतनी सिगरेट पीता था तो फिर इसके दांत इतने साफ क्यों है? देखो ये रहे। 2 महीने गड्ढे में पड़े रहने के बावजूद इसके दांत कितने चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि इस आदमी ने मरने से शायद 10 दिन पहले किसी डेंटिस्ट के पास जाकर अपने दांत साफ करवाए। इस बार कमाल कर दिया डॉक्टर साळुंखे, कभी कभी तुम्हारा दिमाग चलता है बॉस। सब लोग ताली बजाओ। बॉस, मेरा दिमाग चलता है इसीलिए आप लोगों की नौकरियां बची हुई है। बस बस, इतना टेढ़ा होने की जरूरत नहीं है, समझे? अभिजीत सर, जल्दी से जल्दी डेंटिस्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी से जाकर मिलो, उसके हाथ पर जोड़ो, उससे कहो कि किसी भी तरह हमें उन सब आदमियों का नाम और पता लाकर दें जिन्होंने करीब 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। हेलो, हाँ डॉक्टर देवधर सर, मैं डॉक्टर जीवन बोल रहा हूँ। कुछ CID ऑफिसर्स मेरे पास आए हुए हैं। नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, वो मुझे पकड़ने के लिए नहीं आए हैं सर, उन्हें कुछ मदद चाहिए। सर, उन्हें उन सब लोगों के नाम चाहिए जिन्होंने 2-2.5 महीने पहले अपने दांत साफ करवाए हैं। नहीं सर, घबराने की कोई बात नहीं है सर, सर मेरी गारंटी है ना, ये बात बाहर नहीं जाएगी। यस सर, सर मैं सब लोगों से बात कर रहा हूँ। यस सर जी, थैंक यू सर। लीजिए, ये काम भी हो गया, मगर इतने सारे डेंटिस्ट हैं, सबसे पता करते करते टाइम तो लग जाएगा। कोई बात नहीं सर, हम इंतज़ार करेंगे, हम वो नामों की लिस्ट लेके ही जाएंगे सर। ठीक है, मैं दूसरे डॉक्टरों को टेलीफोन करता हूँ। वैसे आपके वो डॉक्टर साळुंखे कैसे हैं? ये ACP मेरे मुंह पर तालियां बजाकर चला गया जैसे मेरी बारात निकल रही थी। अब इस हॉलैंड वाले लॉकेट में से अगर कुछ पता चल गया तो मैं उसे बताऊंगा ही नहीं। एक और फैक्स है। लो भाई, एक और डॉक्टर ने भी लिस्ट भेज दी है, इसमें भी काफी सारे नाम है। Yes, sir. ओह माय गॉड, ये लॉकेट तो खुल सकता है। सर, करीब 100 लोगों के नाम मिले हैं जिन्होंने पिछले 2-2.5 महीने में अपने दांत साफ करवाए थे। इनमें से कुछ फिल्म स्टार्स हैं, मॉडल्स भी हैं। सर, हमने उन्हें गारंटी दी है कि ये लिस्ट हमारे ऑफिस से बाहर नहीं जाएगी, क्योंकि इन लोगों की प्राइवेसी का सवाल है सर। हाँ ठीक है, केस खत्म हो जाने के बाद फाड़ देना ये सब पेपर्स। दूसरी बात, जो फेमस है और जिंदा है, ऑब्वियसली वो तो हमारे काम का ही नहीं है। हम तो वो आदमी ढूंढ रहे जिसने अपने दांत साफ करवाए हैं और जो गायब है। शायद उसके घर वालों को पता भी ना हो कि वो मर चुका है। हेलो, ACP प्रद्युमन यार। हाँ साळुंखे साहब, बोलिए, क्या चेन में कुछ मिल गया है? सुपर्ब, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू।
सालुंखे ने अपनी नाक उस चेन के लॉकेट के अंदर डाली दी। बॉस, लॉकेट के अंदर से फोटो निकला है, ये देखो। अगर ये लॉकेट इस आदमी का है जिसकी मौत हुई है, तो ये औरत या तो इसकी पत्नी होगी या फिर इसके जान पहचान की होगी। प्रेडिक्स सर, देखो अभिजीत लिस्ट में से आदमियों को ढूंढते ढूंढते कौन से घर तक पहुंचा है, और जल्दी से जल्दी ये लॉकेट और फोटोग्राफ उस तक पहुंचाओ। यस सर। कहिए, कुछ चाहिए आपको? माफ कीजिएगा, मैं CID से हूँ। CID? यहाँ? संदीप को कुछ हो गया है क्या? नहीं नहीं, मैं तो एक एक्सीडेंट का इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, इसी सिलसिले में संदीप से कुछ पूछताछ करनी थी। संदीप है नहीं? संदीप तो 2 महीने से इंग्लैंड में है। इंग्लैंड में? उनका कोई फोन नंबर है? आप मुझे नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लेता हूँ। नंबर तो मैं दे सकती हूँ, मगर उसका कोई फायदा ही नहीं है। पिछले 2 महीने से मैं संदीप से बात करने की कोशिश कर रही हूँ, मगर वहाँ कोई फोन ही नहीं उठाता है। संदीप ने वहाँ जाके एक लेटर तक नहीं लिखा और एक फोन तक नहीं किया। यहाँ मैं उनके पार्टनर से पूछ रही हूँ, पार्टनर भी परेशान है, कह रहे हैं इंग्लैंड में जाके संदीप ना जाने कहाँ गायब हो गया। पार्टनर? क्या नाम क्या है पार्टनर का? रूपांक, रूपांक नाम है उनका। अच्छा, उनके पास कोई फॉरेन कार है, इंपोर्टेड गाड़ी? हाँ, एक है, किंग। किंग? उनका पता दे सकती हैं आप? आइए रूपांक साहब, आइए प्लीज। आप मुझे क्यों लाए? तो क्या है कि हमारे ACP साहब को एक शादी में जाना है, मगर इनविटेशन कार्ड पे लिखा है कि साथ में कोई दूसरा भी आना चाहिए, अकेले नहीं। हाँ। इसीलिए आपको भी। शादी? अजीब बात है, कि CID को हो क्या गया है? ACP को शादी में जाना है तो आप किसी को भी पकड़ कर ले आते हैं? अरे नहीं नहीं, किसी को भी नहीं, सिर्फ रूपांक साहब को पकड़ कर लेकर आए। लेकिन मुझे ही क्यों? वो आपके पार्टनर भी वहां आ रहे हैं ना, संदीप। संदीप? हाँ। वो इंग्लैंड से वापस कब आया? अरे साहब, इंग्लैंड जाएगा तो आएगा ना, वो तो इंग्लैंड पहुंचा ही नहीं। हाँ, बेचारा रास्ते में ही मारा गया। मारा गया? किसने मारा? उसके पार्टनर ने। पार्टनर? कौन कहीं आपका इशारा मेरी तरफ तो नहीं है? जी हाँ, संदीप जहर खाके मरा था, आर्सेनिक से। आपकी केमिकल्स की फैक्ट्री है ना, आपको आर्सेनिक आसानी से मिल सकता है। और एक्सीडेंट साइट पर जो टायर के निशान मिले हैं, वो आपकी गाड़ी से बिल्कुल मिलते हैं। आर्सेनिक पे मेरा नाम लिखा है क्या, या उस टायर के निशान पे मेरी गाड़ी के नंबर? नहीं नहीं, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपने अपने पार्टनर को क्यों मारा? नहीं नहीं, मारा क्यों? मुझे लगता है आप लोग सब पागल हो गए। टायर के बच्चे, सच बोलता है क्या? नहीं, कंपनी के पैसों में से मेरे से 1.5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। तो तुमने 1.5 करोड़ रुपए खा लिए? संदीप को पता चल गया, कहने लगा मैं पुलिस में जाऊंगा, सबको बता दूंगा। मैंने काफी उससे रिक्वेस्ट की, मैं बोला मैं सारे पैसे वापस कर दूंगा, तो कहने लगा मैं 2 महीने के लिए इंग्लैंड जा रहा हूँ, आऊंगा तब तक पैसों का इंतजाम करके रखना। तो तुमने उसे कहीं और पहुंचा दिया? कहां से लाता मैं 1.5 करोड़ रुपए? मैंने सोचा अच्छा मौका है, मार देता हूं उसे, लोग सोचेंगे कि वो इंग्लैंड में बैठा है,
मार दिया मैंने। मगर राज ने तुम लोगों को संदीप की बॉडी जमीन में गाड़ते हुए देख लिया। हाँ। पता नहीं कहां से आ गया वो। अब चुपचाप अपने आदमियों के नाम लिखो जिन्होंने तुम्हारे साथ ये काम किया। अब तुम्हें काफी लंबे सफर पे जाना है, जिंदगी का सफर, जेल में।